dear students in this lecture we will discuss about the toxic elements and their role in the biological systems in the previous lecture we have discussed about the role of uh, essential elements including bulk elements and trace elements in the biological systems एंड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सीरीज आई एम डिलीवरिंग लेक्चर ऑन द टॉक्सिक एलिमेंट्स टॉक्सिक एलिमेंट्स किस तरीके से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए uh, नुकसानदेह हैं कैसे वो बायोलॉजिकल uh, सिस्टम्स को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो अगर हम टॉक्सिक एलिमेंट्स को देखें तो वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स भी होते हैं और वो एवरीवेयर एनवायरमेंट में दे फाउंड एवरीवेयर सब जगह वो मिलेंगे और उनकी जो कंसंट्रेशन है एक्चुअली वो जो है वो अगर कम है वो अगर विद इन अ लिमिट है तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन बढ़ गई देन दे विल बी टॉक्सिक देयर कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द लोकेलिटी एंड एक्सपोजर जो उनका कंसेंट्रेशन है टॉक्सिक एलिमेंट्स का जनरली वो किस पर डिपेंड करता है कि हम कहां पर हैं अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हैं या कोई पॉल्यूटेड एरिया के आसपास है जिसकी वजह से ये टॉक्सिक एलिमेंट्स कहां आते हैं एनवायरमेंट में आते हैं वो कहां पर आ सकते हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड में आ सकते हैं सॉइल में आ सकते हैं एयर में आ सकते हैं तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस लोकेलिटी में हैं और हम पे कितना एक्सपोजर उसका हो रहा है जैसे हमने टॉक्सिक uh, एलिमेंट्स में ग्रोन अगर वेजिटेबल्स खाई है अब देखिए हम लोकेलिटी में तो नहीं है लेकिन हम एक्सपोज हैं हम ऐसी वेजिटेबल और ऐसे फ्रूट्स खा रहे हैं जिन, जो ऐसी जगह पर ग्रोन किए गए हैं जहां पर टॉक्सिक एलिमेंट्स का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत हायर है तो उस वजह से वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है तो इनकी कंसेंट्रेशन डिपेंड करती है लोकेलिटी एंड एक्सपोजर के ऊपर दीज टॉक्सिक एलिमेंट्स दे डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स जनरली होता क्या है कि ये जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम के जो डिफरेंट फंक्शन हैं उनको इम्बेलेंस करते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं इसलिए ये टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं दे इंक्रीज इज फ्री रेडिकल जेनरेशन वो क्या करते हैं अगर ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं टॉक्सिक एलिमेंट्स तो वो क्या करते हैं फ्री रेडिकल कि जेनरेशन को क्या करेंगे बढ़ाएंगे उसको ज्यादा बनाने में हेल्पफुल होंगे और फ्री रेडिकल्स आप जानते हैं वो डैमेजिंग रेडिकल्स हैं जो स्ट्रेस से यानी अगर मेटल स्ट्रेस या टॉक्सिक एलिमेंट स्ट्रेस रहेगी तो फ्री रेडिकल जेनरेशन रहेगा और उसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस होंगी और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एंटी लेने पड़ेंगे टू सप्रेस द फ्री रेडिकल्स अब देखिए एक्चुअली टॉक्सिक एलिमेंट्स करते क्या है दीज टॉक्सिक एलिमेंट्स दे मिमिक द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड कैन डिस्प्लेस देम कितना बड़ा धोखा देखिए जो टॉक्सिक एलिमेंट हैं वो किसकी नकल करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की जो हमने इससे पहले पढ़े हैं जैसे हमने आयरन पढ़ा है जिंक पढ़ा है कॉपर पढ़ा है डिफरेंट टाइप के हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं फॉस्फोरस नाइट्रोजन सोडियम पोटेशियम तो ये टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या करते हैं वो इन एसेंशियल एलिमेंट्स की नकल करते हैं जिससे कि वो आसानी से क्या करते हैं इन एसेंशियल एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं खुद उनकी जगह पर आ जाएंगे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में तो अगर वो खुद आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे देयर आर में कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स अब वो किसकी जगह ले लेंगे अगर अगर वो एसेंशियल एलिमेंट्स की जगह ले लें तो वो बॉडी में क्या होंगे एक्मुलेट होते रहेंगे जमा होते रहेंगे और अगर वो जमा होते रहे तो डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी अब ये जो एलिमेंट्स uh, की जो कंसेंट्रेशन है वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कहां पर डिटेक्ट करते हैं कि हमारे शरीर में कौन से टॉक्सिक एलिमेंट की कंसेंट्रेशन अधिक है तो ये ब्लड में यूरिन में हेयर में और फेसिस में ये डिटेक्ट किए जा सकते हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है तो ये जो है टॉक्सिक एलिमेंट जो है वो कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ये जो टॉक्सिक एलिमेंट है अभी मैं चार टॉक्सिक एलिमेंट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं और ये जो चार टॉक्सिक एलिमेंट्स है दे आर एक्चुअली हैवी मेटल्स हैवी मेटल्स मीन्स जनरली दे हैव डेंसिटी हायर देन फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है एकोमोलेशन की एक बार अंदर चला गया तो जमा होता रहेगा किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में और जमा होता रहेगा तो एक्कोमोलेशन इसका एक्सक्रीशन बड़ा मुश्किल काम है एलिमेंट्स का तो इसको एक्मुलेट होते रहेगा तो उससे क्या होगा कि ये जो है एक्सक्रीट होना मुश्किल होगा और एकुमुलेशन के बाद इट क्रिएट्स वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स नाउ इफ वी सी द सोर्सेस ऑफ दीज टॉक्सिक एलिमेंट्स तो हम देखेंगे कि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं दे अकर आइदर नेचुरली और द्रो मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो इसके रास्ते क्या है एक तो है कि नेचुरल अकरिंग लेकिन नेचुरल अकरिंग बहुत हाई कंसेंट्रेशन नहीं होती तो ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन के कॉज क्या है मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर दी कॉजेस ऑफ अकरेंस ऑफ दीज टॉक्सिक एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल चार एलिमेंट्स लिए हैं एल्यूमिनियम मर्करी लेड एंड कैडमियम इम्पॉर्टेंट टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जिनका बायोलॉजिकली रोल नहीं पता है अभी तक लेकिन ये क्या होंगी अगर इफ दे एक्कोमुलेट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम दे क्रिएट सम प्रॉब्लम तो ये देखिए एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कहां से आएगा एल्यूमिनियम कुकवेयर जो भी हमारे बर्तन होते हैं मिनिस्पल ड्रिंकिंग वाटर से आ सकता है टूथपेस्ट से आ सकता है मेडिकेशंस दवाइयों से भी आ सकता है एल्यूमिनियम फॉइल जो हम यूज करते हैं खाने को रैप करने के लिए कलर एडिटिव ये कुछ सोर्सेस हैं जहां से एल्यूमिनियम से हम एक्सपोज हो सकते हैं मरकरी मरकरी जो है वो कहां यूज की जाती है फॉन्जिसाइड में इंसेक्टिसाइड्स में तो ये एग्रीकल्चरल सॉइल्स में थ्रू फॉन्जिसाइड्स एंड इंटेक इंसेक्टिसाइड्स आ सकती है देन मेडिकेशंस मेडिकेशंस के थ्रू स्किन क्रीम्स में कई बार आ, क्या होता है ये मरकरी को यूज किया जाता है टाल्क पाउडर्स में कॉस्मेटिक्स में थर्मामीटर अगर अगर वो मरकरी थर्मामीटर है तो वहां से एक्सपोज हो सकते हैं मरकरी के लिए रेड टैटू इंक जो होती है वो भी मरकरी को जनरेट करती है लेदर टेनिंग प्रोडक्ट्स तो ये जो हैं डिफरेंट डिफरेंट दे आर सोर्सेस ऑफ मरकरी देन लेड अगर हम लेड को देखें तो इसका जो मेन सोर्स है वो देखिए सिगरेट स्मोक हेयर डाई जो हम बालों में हेयर डाई लगाते पेस्टिसाइड्स कॉस्मेटिक्स में भी लेड होता है आपने सुना था बीच में मैगी बंद हो गई थी क्योंकि मैगी में क्या मिला लेड तो अगर वो लेड जो है वो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन से ज्यादा होगा तो वो हमारे सिस्टम में जाएगा और वो क्या करेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि अगर लेड जो है वो एक्मुलेट हुआ ह्यूमन बॉडी में तो वो क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इसलिए मैगी बैन हो गई थी तो ये लेकिन अभी हमारे शरीर में उसके अलावा देखिए कहां से आती पेस्टिसाइड से कॉस्मेटिक से कैंडल्स से स्मेल्टर से पॉटरी, एग्रीकल्चरल सॉइल्स तो एग्रीकल्चरल सॉइल्स भी जो है इसकी एक बड़ी सोर्स uh, है दन कैडमियम इज द फोर्थ एलिमेंट वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर इट कम्स फ्रॉम टोबेको टोबेको से आ सकता है फर्टिलाइजर्स से, से आ सकता है रबर फूड फ्रॉम कंटेमिनेटेड सॉइल्स और साइट्स अगर हम कंटेमिनेटेड साइट से फूड लें एक्चुअली देखिए क्या है जो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज है वो बहुत बड़ा सोर्स होती है हैवी मेटल्स का जैसे वहां पर जिंक कैडमियम मिलेगा जिंक मिलेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में क्रोमियम मिल सकता है लेड मिल सकता है ये डिफरेंट जो मेटल्स हैं वो जो कहा जा सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में जिस एग्रीकल्चर फील्ड में हम क्या ग्रो करते हैं फूड प्रोडक्ट्स फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं उन फूड क्रॉप उसमें क्या आ सकता है एकोमलेट हो सकते हैं कि मेटल्स और फिर थ्रो फूड चेन ये हमारे सिस्टम में आ सकते हैं बैटरीज क्योंकि निकल कैडमियम बैटरीज जो हमारे मोबाइल की बैटरीज हैं या डिफरेंट बैटरीज हैं अलग अलग आजकल कई तरीके के सामान आने लगे हैं ये लैपटॉप्स की बैटरीज हैं तो वो किस उसमें जनरली निकल कैडमियम बैटरीज जहां पर होंगी तो वहां पर क्या होगा कैडमियम का एकमोलेशन होगा या डेंटल मटीरियल्स जो यूज किए जाते हैं वहां पर कैडमियम हो सकता है है तो इनके सोर्सेस आपने देख लिए डिफरेंट सोर्सेस और इन सोर्सेस में जो आप मेन देखेंगे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज से जो फर्टिलाइजर की फॉर्म में जो जाता है सॉइल uh, में वहां से जो फूड है वो कंटेमिनेट होता है और उस कंटेमिनेटेड फूड को इफ यू टेक एक्सपोज टू दीज एलिमेंट्स दीज टॉक्सिक एलिमेंट्स और बैटरीज जैसे हम कहते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स electro, का सामान है उसे हमें अलग डिस्पोज ऑफ करना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होता है जनरली मैक्सिमम पोर्शंस में बैटरीज आपको मिलेंगी या कोई ना कोई मेटल का यूज जरूर होगा इलेक्ट्रॉनिक सामान में तो वहां से वो कंटेमिनेट कर सकता है अब यहां पर आपको दिखाया है कि जो न्यूट्रिशनल और एसेंशियल एलिमेंट्स पर इन टॉक्सिक एलिमेंट्स का क्या टॉक्सिक इफेक्ट होता है सो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल एसेंशियल एलिमेंट्स ये क्या करते हैं मैंने आपसे कहा मिमिक करते हैं तो कई बार जैसे एल्यूमिनियम है वो कैल्शियम आयरन और फॉस्फेट को अफेक्ट करेगा एलिमेंट्स को ये मिमिक कर सकता है मरकरी है ये आयरन सेलिनियम जिंक सल्फर एंड कॉपर पर इफेक्ट डाल सकता है ये असेंशियल एलिमेंट्स है ऑल दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स और दीज टॉक्सिक एलिमेंट्स दे एक्चुअली दे अफेक्ट दीज एसेंशियल एलिमेंट्स

नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉक्सिसिटी इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स इन टॉक्सिक इन चार टॉक्सिक एलिमेंट्स का टॉक्सिसिटी इफेक्ट है क्या उसके बारे में हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम का अगर हम टॉक्सिक इफेक्ट देखें तो ये एक्सपोजर टू हाई एल्यूमिनियम लेवल्स कॉजेस हेल्थ प्रॉब्लम्स किस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं इट रिटार्ड्स किडनी फंक्शन ये क्या दिक्कत क्रिएट करेगा अगर एल्यूमिनियम जो है हमारी बॉडी में एक्मुलेट होगा इसीलिए कहते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल में खाना नहीं रखना चाहिए रिटार्ड किडनी फंक्शन किडनी के फंक्शन को रिटार्ड करता है उसके अलावा ये क्या करता है देखिए उसके अलावा ये लंग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है एनीमिया क्रिएट करता है ओके okay? एनीमिया क्यों क्रिएट करता है क्योंकि आपने देखा है आयरन फंक्शनिंग को भी आ, पर भी एडवर्स इफेक्ट करता है इसलिए एनीमिया भी क्रिएट करेगा मैक्सिमम एलिमेंट्स आपने देखे वो आयरन को इफेक्ट कर रहे थे तो वो एनीमिया भी कॉज करेंगे ब्रेन डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स एल्यूमिनियम की वजह से और क्या दिक्कत होती है नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स तो आप देख रहे हैं लगभग सारी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अगर एल्यूमिनियम जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में आ गया तो इट विल क्रिएट्स वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सी हाउ मर्करी इज टॉक्सिक इन द फॉर द बायोलॉजिकल सिस्टम मर्करी एक्चुअली आप देखेंगे तो चार फॉर्म में मिलता है मर्करी एलिमेंटल फॉर्म में वेपर एंड लिक्विड इनऑर्गेनिक सोल्ट एंड ऑर्गेनो मर्की कंपाउंडस तो ये क्या क्या फॉर्म है देखिए मर्करी एलिमेंटल फॉर्म में लिक्विड एंड वेपर मर्क्यू रस इन ऑर्गेनिक सोल्ट की फॉर्म में मर्क्यू इनऑर्गेनिक सोल्ट एंड ऑर्गेनो मर्करी कम्पाउंड की फॉर्म में तो ये एक तरीके से आप देखेंगे चार फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और क्या ये चार फॉर्म वेपर लिक्विड ये मेटल फॉर्म है मर्क्यूरस मर्क्यूरस मर्क्यू रस जो इनऑर्गेनिक सोल्ट की फॉर्म में मर्क्यूरिक जो है वो इनऑर्गेनिक सोल्ट एंड ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्ट एलिमेंटल लिक्विड मरकरी लिक्विड मरकरी को छोड़कर

मसल वीकनेस होगी किडनी डिसइंफेक्शन तो किडनी डिसइंफेक्शन तो मैक्सिमम केसेस uh, में होगा जहां पर भी मेटल एकोमलेशन होगा देन जो एक जो दिक्कत आएगी वो क्या है मेमोरी लॉस डिप्रेशन बर्थ डिफेक्ट्स। और एक डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मरकरी की वजह से हुई थी सन 1956 में इन जापान ड्यू टू हाई एक्सपोजर ऑफ मिथाइल मरकरी एंड दैट डिजीज वॉज मीना माता डिजीज वो क्या डिजीज थी मीना माता डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट केस uh, uh, है ये जापान का मीना माता डिजीज एक तरीके का नर्वस डिसऑर्डर था जो की हाई टॉक्सिसिटी ऑफ मिथाइल मरकरी की वजह से हुआ था और समाइम्स चिल्ड्रेन में जो है पिंक डिजीज हो जाती है किसकी वजह से मरकरी की टॉक्सिसिटी की वजह से और ये पिंक डिजीज क्या है उनके जो गाल है वो लाल लाल पिंक हो जाएंगे तो ये दो मेन डिजीज है मीना माता डिजीज एंड पिंक डिजीज इन चिल्ड्रन दैट इज ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी ऑफ मरकरी लेट इज अने दिस थिंग दैट इज टॉक्सिक एलिमेंट विच इज वेरी टॉक्सिक फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम्स जनरली इट इज मोस्ट सेंसिटिव टूवर्ड्स ब्रेन ब्रेन जो है वो लेट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और ये क्या करता है इट इंटरफेयर्स दी नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इन नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट को रोकता है टॉक्सिक टू चिल्ड्रन चिल्ड्रंस के लिए चिल्ड्रन के लिए बहुत टॉक्सिक है बच्चों के लिए कॉजेस परमानेंट बिहेवियर एंड लर्निंग डिसऑर्डर क्योंकि ये किसको इफेक्ट कर रहा है नर्वस सिस्टम को तो इसलिए ये किसको बिहेवियर चेंजेस करेगा और लर्निंग डिसऑर्डर क्रिएट करेगा बच्चों में और इन डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या हैं Constipation, abdominal pain, headache, memory problems. So, these are the symptoms of lead toxicity. Another important toxic element is cadmium. Cadmium toxicity causes cancer, arthritis, diabetes, lung disease, fatigue, hypertension, heart disease, kidney, and liver diseases, etc. एक साथ कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी कैडमियम की टॉक्सिसिटी से और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि अगेन जापान में हुई थी राइस फील्ड में कैडमियम की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन नाइनटीन एंड नाइनटीन वो डिजीज जो हुई थी वहाँ पर लोगों को क्या हुआ था स्पाइन में और जॉइंट में बहुत पेन हुआ था तो इस डिजीज का नाम है इटाई डिजीज़ इसको आउच आउच डिजीज भी कहते हैं क्योंकि लोगों ने दर्द से आउच आउच, आउच ऐसे जो कहा तो उस वजह से उस डिजीज का नाम आउच आउच डिजीज हो गया तो ये किसकी वजह से थी कैडमियम की टॉक्सिसिटी की वजह से ये इटाई डिजीज होती है नाउ वी विल कंक्लूड द लेक्चर टॉक्सिक एलिमेंट्स एक्चुअली द एलीमेंट्स विच अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल सिस्टम्स एडवर्सली वो किसी uh, काम तो नहीं आते हैं लेकिन वो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं और जनरली जो वो अफेक्ट करते हैं थ्रो मिमिकिंग एसेंशियल एलिमेंट्स वो क्या करते हैं जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको मेमिक करते हैं उनकी नकल मारते हैं और उनको डिस्प्लेस कर देते हैं इस वजह से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो इस लेक्चर में जो हमने जो स्टडी किए जो एलिमेंट्स वो एल्यूमिनियम मर्करी लेड कैडमियम उनके सोर्सेस को हमने देखा कि जो सोर्सेस हैं मेन उनके जो सोर्सेस हैं वो एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटीज हैं जो मैन मेड हैं जो Uh, जो ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं वो एक्टिविटीज हैं कंटेनर्स हैं और नेचुरली uh, अकरिंग uh, जो एलिमेंट्स हैं वो उनका कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है इसलिए वो बहुत अफेक्ट नहीं करते हैं तो वो एक्सपोजर uh, तब होगा जब उनका कंसेंट्रेशन हायर होगा फिर हमने इनका पढ़ा अबाउट टॉक्सिक इफेक्ट्स कौन कौन से एलिमेंट्स की वो मिमिक्री करते हैं कौन से एसेंशियल uh, एलिमेंट्स की वो के इफेक्ट को वो कम करते हैं फिर हमने पढ़ा टॉक्सिसिटी इफेक्ट क्या होता है और उसमें हमने इम्पोर्टेंट जो पढ़ा जैसे एल्युमिनियम है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है किडनी को अफेक्ट करता है एनीमिया क्रिएट करता है मरकरी की वजह से एक इम्पॉर्टेंट डिजीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है एक तो मरकरी वेपर मर्क्यूरस इनऑर्गेनिक सोल्ट एंड मर्क्यूरिक इनऑर्गेनिक सोल्ट एंड ऑर्गेनो और मर्करी कम्पाउंड की वजह से जो मरकरी की वजह से जो इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है मीना माता डिजीज जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और चिल्ड्रन में वो जो डिजीज होती है पिंक डिजीज होती है फिर लेट के बारे में हमने पढ़ा और लेट जो इफेक्टिवली जो अफेक्ट करता है वो है ब्रेन तो ब्रेन को अगर अफेक्ट करेगा तो वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा और जनरली ये चिल्ड्रन पर जो है वो ज्यादा इफेक्ट

क्रिएटेड जो टॉक्सिक एलिमेंट्स के वजह से या आप कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट के हायर कंसेंट्रेशन से मेटल्स स्पेशली तो वो क्या है कैंसर तो कैंसरस तो जो डिजीजे हैं वो हैवी मेटल्स तो के एकोमोलेशन से क्रिएट होती हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉक्सिक एलिमेंट्स थैंक यू वेरी मच